अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है? इज द शूटिंग पीरियड गोइंग ऑन नाउ और नॉट? हैं? चल रहा है। इट इज गोइंग ऑन। जो शूटिंग हो रही है, द शूटिंग दैट इज हैपनिंग, वो मनसा में जो संकल्प आते हैं, विकल्प आते रहते हैं, उनके आधार पर शूटिंग हो रही है। इट इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द थॉट्स एंड बैड थॉट्स दैट कीप इमर्जिंग इन द माइंड। रात्रि में सोते सोते स्वप्न आते हैं। वी ड्रीम व्हाइल स्लीपिंग एट नाइट। उस स्वप्नों का भी आधार संकल्प होते हैं। थॉट्स आर द बेसिस ऑफ इवन दोज ड्रीम्स। तो ये स्वप्न और संकल्पों की गति के आधार पर हमारी शूटिंग होती रहती है। सो आवर शूटिंग कीप्स हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पेस ऑफ द ड्रीम्स एंड थॉट्स। चाहे तो हम तुरंत बीज रूप स्टेज में स्थिर होकर के उस विकल्प या संकल्प को खत्म कर दें। इफ वी वांट वी कैन स्टेबलाइज इन द सीड फॉर्म स्टेज इमीडिएटली एंड एंड दैट थॉट और बैड थॉट। वो संबंध कट हो जाएगा। दैट रिलेशनशिप विल एंड। और बाबा के साथ संबंध जुड़ेगा। एंड द रिलेशनशिप विल बी फॉर्म्ड विद बाबा। परंतु वो ज्यादा समय स्थायी नहीं रहता। बट दैट स्टेज डजंट रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वो ही संकल्प विकल्प कूद पड़ता है। दैट वेरी थॉट एंड बैड थॉट इंटरफियर्स अगेन। रोकना चाहो तो रोक दो। स्टॉप इट इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप इट। अच्छे से अच्छा संबंध जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। फॉर्म द बेस्ट रिलेशनशिप इफ यू वॉन्ट टू फॉर्म इट। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? इज इट बींग फॉर्म्ड और नॉट? है? कोई भी हो, बाहर के हो या अंदर के हो। स्टूडेंट, इफ अवर रिलेशनशिप इज बींग फॉर्म्ड विद द पीपल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ द ब्राह्मण क्लैन, बाबा, लेट इट बी anyone, whether they are the outsiders or insiders. स्मृति में आते हैं तो रील घूम रही है। इफ दे कम टू अवर माइंड इट मीन्स द रील इज रोटेटिंग। बाहर की दुनिया के संबंधी संपर्क की बुद्धि में स्थान बना लेते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। If the relatives of the outside world and those who come in connection make a place in the intellect, it isn't a big deal either. Non-surrender जो दुनिया के बीच में रह करके धंधा करते हुए जीवन चला रहे हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। It isn't a big deal at all for those who are not surrendered and are leading their life while doing business in the world. लेकिन जो surrendered वर्ग है, But those who belong to the surrendered category, ज्ञान की दुनिया में ही पल रहा है, someone who is being sustained in the world of knowledge itself, वो अगर ज्ञान की दुनिया को छोड़ देता है, if he leaves the world of knowledge, बाहर की दुनिया में चला जाता है, if he goes in the outside world, बाहर की दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क में आता है, if he comes in contact and connection of the people of the outside world, तो उसकी शूटिंग बंद हो जाएगी क्या? विल ही शूटिंग स्टॉप? है? नहीं बंद हो जाएगी। इट वोंट। राज परिवार में है तो राज परिवार के बीच संकल्प ज्यादा चलेंगे। इफ ही इज इन द रॉयल फैमिली ही विल हैव मोर थॉट्स ऑफ द रॉयल फैमिली। और प्रजावर्ग के परिवार में है तो वहाँ की शूटिंग के संकल्प ज्यादा चलेंगे। एंड इफ ही इज इन द फैमिली ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी ही विल हैव मोर थॉट्स ऑफ द शूटिंग देयर। और प्रजावर्ग में भी कोई इस्लाम धर्म की प्रजा है, कोई बौद्ध धर्म की प्रजा है, कोई क्रिश्चियन धर्म की प्रजा है, कोई नास्तिक वर्ग की प्रजा है। एंड इवन अमंग द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स सम ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ इस्लाम
some are the subjects of the Buddhist religion, some are the subjects of the Christian religion, and some are the subjects of the atheist category. अगर ऐसी प्रजा नास्तिक वर्ग के बीच में जाके जीवन बिताना पड़ता है तो कहाँ के संबंधी बनेंगे? If you have to go and spend your life among the subjects of such atheist category, you will receive the relatives of which place? है? नास्तिकों की दुनिया के संबंधी बन पड़ेंगे? You will receive the relatives of the world of atheists.